हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है और सिंपल इंटरेस्ट और इसमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो हर एक साल का इंटरेस्ट सेम रहेगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, मान लीजिए फर्स्ट ईयर का आपका 1000 रुपीज है इंटरेस्ट, सो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये होगा, मान लीजिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 10,000। ठीक है, 10,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मान लीजिए 1000 रुपीज। ठीक है, सो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा ना, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट वो टोटल 10+1 11,000 के ऊपर लगेगा। ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 10,000, इसी के ऊपर लगेगा हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का इक्वल रहेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये इंटरेस्ट भी चेंज होते जाएगा, बिकॉज इसमें जो टोटल अमाउंट रहेगी, मतलब जिस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होते रहेगा हर एक साल में। ठीक है ना, सो ये डिफरेंस रहेगा इसमें सीआई और एसआई में। अब इसके बेस पे जब क्वेश्चन हम करेंगे, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे सीआई, उससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ सम ऑफ 20,000 इज बोरोड बाय हीना फॉर 2 years एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट शी हैज टू पे एट द एंड ऑफ 2 years। स्टूडेंट्स, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हो, तो सिंपल इंटरेस्ट में 20,000 पे अगर सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना होता एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, तो आप सिंपली क्या करते कि इसका 16% फाइंड आउट कर लेते 20,000 का। ठीक है, या फिर जो हमारा फॉर्मूला रहता है पीआरटी बाई 100, उससे अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते थे। बट यहां पर क्या कहा हुआ है कि कंपाउंडेड एनुअली, मतलब क्या होगा कि जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा उसके ऊपर और सेकंड ईयर पे लगेगा, वो टोटल प्रिंसिपल बनेगा, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या है, देखिए क्वेश्चन आपको समझा देता हूं मैं, कि फर्स्ट ईयर पे क्या रहेगा, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 20,000 है ना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 8%, और टाइम क्या गिवन है 2 years, और हमें फाइंड आउट करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो प्रिंसिपल में ऐड करके हम वो बता सकते हैं कि कितना अमाउंट वो पे करेगी एंड एट द एंड ऑफ 2 years। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखिए। देखिए प्रिंसिपल हमारे पास है 20,000। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर को तो हम फाइंड आउट कर लेंगे एट द रेट ऑफ 8%, इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, देखिए 1% इसका होगा 200, सो 8% कितना हो जाएगा इसका, 8% ऑफ 20,000 इज इक्वल्स टू 1600 रुपीज। ठीक है ना, सो एक साल के बाद में टोटल अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट फॉर 1 year, कितना हो जाएगा 20,000 प्लस 1600। ठीक है, सो ये आ जाएगा आपका 21,600 रुपीज। ठीक है ना, तो अब सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस अमाउंट के ऊपर लगेगा, ये जो हमारी अमाउंट है 21,600 रुपीज, इसके ऊपर आपका ये इंटरेस्ट लगेगा सेकंड ईयर का। और यही डिफरेंस होता है जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं कि दोनों साल के लिए हम यहां से फाइंड आउट कर सकते थे ऐसे ही। ठीक है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल के, क्योंकि यहां पे कहा हुआ है कंपाउंडेड एनुअली, मतलब एनुअली हमें यहां पे करना होगा, और एनुअली उसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट को प्रिंसिपल अमाउंट में, और फिर उस टोटल अमाउंट पे हमें नेक्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब ये जो आया हमारे पास 21,600, इसके ऊपर 8% के अकॉर्डिंग लगेगा सेकंड ईयर के लिए। तो सेकंड ईयर का जो लगेगा इंटरेस्ट वो किस क्या रहेगा, 8% ऑफ 21,600 रुपीज, तो इसका आप 8% फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना आएगा 8 × 216। ठीक है, या अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 00000, मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा था आपके लिए 8 × 216। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 × 6 = 48, आपका रहेगा 4 यहां पे कैरी करेगा, देन 8 × 1 = 8 + 4 = 12, एंड यहां पे आपका कैरी करेगा 1, देन 8 × 2 = 16 + 1 = 17, सो 1728 रुपीज आपका रहेगा इंटरेस्ट ऑन 21,600 फॉर 1 year एट द रेट ऑफ 8%। तो अब देखिए सेकंड ईयर का इतना इंटरेस्ट लगेगा, सो टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना होगा, टोटल अमाउंट मतलब ए इज इक्वल्स टू 21,600 प्लस 1728, इसको अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट जो उसको पे करना होगा। देखिए ऐड करने के बाद कितना आएगा 8, 2, then 7 + 6 = 13, देन 1 + 1 = 2 + 3 = 1, 3। ठीक है, और यहां पर आपका आ जाएगा 2, सो 23,328 रुपीज रहेगा टोटल अमाउंट
हीना हैज टू पे एट द एंड ऑफ टू इयर्स। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाजा आ जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कौन सा बेटर रहेगा और कितना डिफरेंस आएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हम किस पे फाइंड आउट करेंगे, 20,000, क्योंकि हमारा प्रिंसिपल कितना है 20,000 और 8% इंटरेस्ट है रेट ऑफ इंटरेस्ट और 2 साल के लिए हमें फाइंड आउट करना है। डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आएगा ये 200 × 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा सिंपली 3200 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट है ना एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, यह है सिंपल इंटरेस्ट। और यहां पर ये क्या है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए कौन सा बेटर रहेगा, इसमें उसको मिलेगा, देखिए टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा क्योंकि 20,000 तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था और एक्स्ट्रा कितना हुआ 3328 रुपीज और यहां पर 3200, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है कि बैंक और इंस्टीट्यूशंस में अगर कहीं भी ऐसे लेन देन होता है बोरिंग और लेंडिंग तो वहां पर सीआई अप्लाई होता है। ठीक है ना, तो सीआई का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तो ऐसे तो वो आपका सीआई अप्लाई। अब देखिए यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट फाइंड आउट कर लिया सीआई, बट अगर मान लीजिए ज्यादा साल के लिए निकालना हो आपको तो वहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड सीआई ऑन 12,600 फॉर 2 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा फॉर फाइंडिंग ऑफ द टोटल अमाउंट। ठीक है, टोटल अमाउंट ये यहाँ प्रिंसिपल रहेगा, देन आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम, जितने टाइम के लिए वो प्रिंसिपल अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया। ठीक है, और इसका जो प्रूफ रहेगा मतलब इसका डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला कैसे आया, ये आपकी क्लास 8 की बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में हमें करना फाइंड सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो पहले हम कर लेंगे टोटल अमाउंट ए और फिर उसमें से टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना यहां पर अमाउंट है 12,600 इंटू 1 प्लस रेट, रेट कितना है 10/100 और टाइम T4 यहाँ पर टाइम है। ठीक है, रेज टू द पावर ऑफ 2, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आपके पास बचेगा 12,600 इंटू आफ्टर टेकिंग एलसीएम वी विल गेट 11/10 और इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 12,600 इंटू 121/100 कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ पे 11/10 कैसे है, देखिए यहाँ पर बचेगा आपका 1+1/10 तो इसका आपको एलसीएम लेंगे तो 11/10 आ जाएगा। अब देखिए इसको आप सोल्व कर लेंगे 126 × 121। ओके, आफ्टर कैलकुलेशन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी आर गेटिंग 15,246 रुपीज। ठीक है, तो ये आएगा हमारा टोटल अमाउंट और इसमें से हमारा जो प्रिंसिपल कितना था 12,600, तो हम यहाँ पर ऐसे निकाल सकते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट आपका है 15,246 माइनस प्रिंसिपल कितना है 12,600, इसमें से आप सिंपली यहाँ पे माइनस करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2,646 रुपीज। ठीक है, सो उस अमाउंट पे 2 साल के लिए 10% के रेट पे कितना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा 2,646 रुपीज। ठीक है, देखिए इसके अगर शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए 12,600 आपका है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, देखिए अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमें कंपाउंडेड एनुअली करना है, मतलब हमें एक एक साल का यहाँ पे हिसाब करना होगा, एक एक साल पे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है और जो सेकंड ईयर रहेगा सेकंड ईयर पे वो इंटरेस्ट भी जो निकाला उस पर भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, सो देखिए फर्स्ट ईयर का हम निकाले तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, देखिए इसका 10% है, सो मतलब 12,600 का 10% मतलब लास्ट के एक जीरो हटाने से हमारा 10% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर, ठीक है सेकंड ईयर पे हमें क्या करना है कि टोटल अमाउंट के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब 12,600 पे भी और जो ये आया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इसके ऊपर भी हमारा सेकंड ईयर पे सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। तो पहले तो हम इस पे निकाले थे प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा 1,260 नाउ प्लस इसका 10%, इसका 10% मीन्स 126 रुपीज हमें इसके और लगेंगे इसके ऊपर। सो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना होगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 1,260 कितना आएगा, ये 12 × 2 = 24 और 24 + 120 = 2,520 + 126 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 2,646। यहाँ पर हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ पर हमारा था 2,646। तो ऐसे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। अब अगर स्टूडेंट्स आप ध्यान देंगे ना तो यहाँ पर देखिए ये जो 1,260 है ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है,
अगर आपको कहा जाए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहेगा दो साल के लिए, अगर इस प्रिंसिपल अमाउंट पे इस रेट से और इतने साल के लिए फाइंड आउट किया जाए तो भी हमारी ये शॉर्ट टर्म ज्यादा कारगर रहेगी, इस पे ये हमारे लिए ज्यादा इजी रहेगा। तो इस साइड में जो हमारा आएगा ये इंटरेस्ट, ये रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, और जो ये रहेगा इस साइड में ये आपका आ जाएगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यही डिफरेंस रहेगा आपको 126 रुपीज। ठीक है, ओके। सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी बना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम करेंगे दोनों ट्रिक से, ट्रेडिशनल हमारा रहेगा जो फॉर्मूला और उससे भी, और जो शॉर्ट ट्रिक है उससे भी। और क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड ऑन अ लोन ऑफ 12,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने वाले टर्म है ये हाफ ईयरली, मतलब हमें कंपाउंडिंग कितने टाइम पे करनी है, हाफ ईयर के बाद हमें कंपाउंडिंग करनी है, और टाइम हमारे पास कितना है 1.5 ईयर्स। सो देर आर 3 हाफ ईयर्स इन 1.5 ईयर्स। तो हमें जो कंपाउंडिंग करनी होगी, कंपाउंडिंग हमें 3 टाइम्स करनी होगी। सो कंपाउंडिंग हैज टू बी डन 3 टाइम्स। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या रहेगा, देखिए अमाउंट हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला देखिए अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 एंड होल रेज पावर ऑफ, यहाँ पर टाइम आता। तो ये जो टाइम रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ हम 3 लेंगे। अब देखिए अगर हम यहाँ पर हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं ना, तो रेट भी हमारे उसी के अकॉर्डिंग होगी। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस रेट पे, अगर रेट यहाँ पर एनम है तो यहाँ पे टाइम भी पर एनम होना चाहिए, मतलब कंपाउंडिंग भी पर एनम होना चाहिए। बट अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो रेट भी आपको हाफ ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए पर एनम की रेट आपकी कितनी है, पर एनम की रेट है मतलब पर ईयर की रेट आपकी 10%। सो यहाँ पे हाफ ईयरली की रेट क्या होगी, हाफ ईयरली की रेट होगी, जैसे यहाँ पे टाइम हाफ हुआ है मतलब एक साल का हाफ ईयर हो गया, तो यहाँ पे आपके रेट भी हाफ हो जाएगी 5%। तो अगर यहाँ पे हम इसको 3 टाइम्स किया ना, 3 टाइम को 3 किया, तो रेट आपके हाफ हो जाएगी, मतलब हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अमाउंट हम इजिली फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 और 1 प्लस रेट, यहाँ हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स प्रिंसिपल इज इक्वल टू 12,000 और रेट हम लिखेंगे 5% पर हाफ ईयर। ठीक है, हाफ ईयर की हम यहाँ पे रेट फाइंड आउट कर रहे हैं। सो 5% हो जाएगा, सो 5 by 100 एंड रेज टू पावर ऑफ 3, बिकॉज देर आर 3 हाफ ईयर्स इन 1.5 ईयर। ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में मेन है। अब इसको आप इजिली कैलकुलेट कर लेके और फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए 21 by 20, 21 by 20, 21 by 20, इसको आप सोल्व कर लेंगे एलसीएम लेके 1 plus 1 by 20 को, और यहां पर इसकी पावर 3 है तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे 0 से 0, ये तीनों 0 यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, और यहां से हम इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 6 अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3। अब इसको हमें सोल्व करना होगा, सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये आएगा आपका 441 × 3 × 41 कितना आ जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब आप सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 1,3,891.50 रुपीज। ठीक है, ओके। तो हमें जो टोटल अमाउंट पे करना होगा इस अमाउंट पे और इतने साल के लिए 1.5 ईयर्स एट 10% पर एनम इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, कंपाउंडिंग अगर हाफ ईयरली की जाती है तो हमें इतना पे करना होगा। ये तो स्टूडेंट्स हमारे जो फॉर्मूला यूज करके, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, शॉर्ट ट्रिक और देख लीजिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आपको ध्यान देने वाले, क्योंकि यहां पर हमें कंपाउंडिंग हाफ ईयरली करना है। ठीक है, तो हाफ ईयरली में कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 टाइम्स कंपाउंडिंग होगी, तो उस केस में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे वो देख लीजिए आप, है ना। स्टूडेंट्स आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया आपके लिए, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे। देखिए अब आपको क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए शॉर्ट ट्रिक में क्या करते हैं हम, कि पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल हमारा होगा 12,000 और रेट आपका क्या रहेगा, रेट हमारा स्टूडेंट्स वही रहेगा 5%, क्योंकि हमें 6 मंथ पे कैलकुलेट करना, कंपाउंडिंग करनी है, और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। सो जो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए रहेगा, यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट हाफ ईयर का जो आपका रहेगा इंटरेस्ट वो कितना होगा, इस पे 5% कितना होगा 120, इसका 1% हो जाएगा और 5% हो जाएगा स्टूडेंट्स 600 रुपीज। ठीक है, सो ये हुआ आपका फर्स्ट हाफ ईयर का। अब देखिए सेकेंड जो हाफ ईयर रहेगा उसका कितना लगेगा, 12,000, सो ये आपका 600 रहेगा। ठीक है, 600 प्लस ये जो फर्स्ट हाफ ईयर का लाया था 600, ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि जो फर्स्ट आपका रहेगा इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट कंपाउंडिंग रहेगी, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल अमाउंट सेम रहेगा उसमें, बट सेकेंड जो रहेगा आपका कंपाउंडिंग करेंगे, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है,
यहाँ पे देखिए 12,000 पे हमने यहाँ पे सेकंड जो हाफ ईयर रहेगा 600 हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ले लिया। अब 600 पे भी कैलकुलेट करेंगे 5% के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 600 का 5% कितना होगा, 1% इसका होगा 6, तो 5% हो जाएगा 6 × 5 = 30। अब देखिए थर्ड हाफ ईयर का भी हमें फाइंड आउट करना होगा क्योंकि 3 हाफ ईयर वहां पर है 1.5 ईयर में। सो इसमें हमें पहले प्रिंसिपल अमाउंट ये देखेंगे 12,000 पे कितना होगा, 12,000 का 5% है 600, देन प्लस 5% ऑफ दिस 600 कितना होगा 30, देन प्लस 5% ऑफ दिस 600 30, देन प्लस ये जो 30 स्टूडेंट्स इसका भी हमें यहां पे 5% लिखना होगा। तो इसका 5% कितना होगा, देखिए इसका 1% हो जाएगा 0.3 रुपीज, तो 5% होगा 1.5। इसको हम सभी को देखिए, इन सभी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे इन सभी को, तो ये आपका आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 हाफ ईयर्स। और अगर इस सीआई को हम इसमें प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। तो देख लीजिए हम पहले यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए 600 + 600 + 600 1800 प्लस यहाँ पे 30 + 30 60 प्लस 30 + 1.5, इसको आप जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 1890 + 1.5 मतलब 1891.50 हमारा होगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपका 12,000। सो अमाउंट देखिए कितना होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 12,000 + 1891.50। आफ्टर एडिंग वी गेट 13,891.50 रुपीज। सो यही अमाउंट स्टूडेंट्स हमारा देखिए फॉर्मूला जो हमने फाइंड आउट किया था फॉर्मूला से, वहां से भी हमारा यही आया था आंसर, ठीक है। सो ये आपका रहेगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां पर आप एक चीज और ध्यान दे सकते हैं, अगर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करना होता, मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होता, तो आप क्या करते कि ये जो 600 है ये 600 हम ऐड कर लेते और हमारा आ जाता सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा रहेगा ये रहेगा हमारा एक्स्ट्रा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या रहेगा इस रेट से और इतनी टाइम के लिए और अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड हुई तो भी हमारा ये शॉर्ट ट्रिक रहेगा ये आपका ज्यादा इजी रहेगा और बेस्ट रहेगा, ठीक है। सो डिफरेंस कौन सा रहेगा, ये डिफरेंस रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो समझिए कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फाइंड सीआई पेड व्हेन अ सम ऑफ 10,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 1 year and 3 months एट 8.5% एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहां पर देखिए क्या कहा हुआ है, क्वेश्चन को समझेंगे हम पहले। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास गिवन है 10,000, ठीक है, और टाइम कितना है 1 year and 3 months, और रेट क्या रहेगी 8 and 1/2%, और हमें फाइंड आउट करना है सीआई, ठीक है। सीआई हमें फाइंड आउट करना है। देखिए सीआई का अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 year and 3 months, 3 months का क्या मतलब होगा कि 1/4 year, तो हमें फाइंड आउट करना 1 year and 1/4 year। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमारा सोल्व करने का अप्रोच रहेगा, पहले हम एक साल का इस पर फाइंड आउट करेंगे कितना हमारा इंटरेस्ट बनेगा। देखिए एक साल का कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे तो पहले साल का आपका सेम रहेगा, मैंने अभी आपको बताया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, कितना होगा प्रिंसिपल, डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है इंटू 1 + रेट, रेट कितना होगा 8 and 1/2 हम लिख सकते हैं यहाँ पर 17/2, सो 17/2 और यहाँ पर होगा 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिए कितना आएगा 10,000 × 217/200, इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 50, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 217 × 5 10850, ठीक है। ये आपका आएगा अमाउंट आफ्टर 1 year, ये यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट नहीं होगा, ये टोटल अमाउंट होगा, ठीक है, टोटल अमाउंट होगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है टोटल अमाउंट फाइंड आउट करने का। अगर हम सीआई फाइंड आउट करना चाहते हो तो सीआई कितना होगा हमारा था, देखिए बेस कितना था 10,000 और ये टोटल अमाउंट आ रहा है, सो डिफरेंस कितना आ जाएगा 850 रुपीज़ का, मतलब फर्स्ट ईयर पे आपका इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। आप देखिए 3 months का मतलब 1/4 year, तो अब जो हमारी टोटल अमाउंट आई ना 10,850 रुपीज़, इसके ऊपर हमें फाइंड आउट कर लेना है 1/4 year के लिए कितना इस पर इंटरेस्ट लगेगा। देखिए 10,850 into टाइम आपका है 1/4 year और आपका जो रेट है रेट कितनी है 17/2 और डिवाइडेड बाय
100, इसको आप सोल्व कर लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट होगा, और यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 5 2 10, और यहाँ पर 5 2 10, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 217। देखिए इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 230.56 रुपीज़, ठीक है, 230.56, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट। तो अब टोटल इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है, टोटल इंटरेस्ट का मतलब है कि पहले साल का हमारे पास है 850 रुपीज़, और जो ये 1/4 ईयर्स का कितना है, 230 रुपीज़, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका, 850 रुपीज़ प्लस 230.56 रुपीज़, देखिए कितना आएगा सम, ये आएगा 1080.56 रुपीज़, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने, कंपाउंड इंटरेस्ट को क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है, और समझने के बाद जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, ओके। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द CI ओन रुपीज 30,000 एट 7% पर एनम इज रुपीज 4347, द पीरियड इन ईयर्स इज, देखिए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा, CI ओन प्रिंसिपल अमाउंट, सो प्रिंसिपल अमाउंट हम यहाँ पे लिख लेते 30,000, और रेट कितना है 7%, और CI आपकी बार गिवन आपका कितना है 4347 रुपीज, एंड आपको वी आर आस्क टू फाइंड आउट द टाइम, ठीक है, टाइम इन ईयर्स, ओके। देखिए एक चीज और बता दूं आपको, अगर रेट यहाँ पर एनएम में दिया हुआ है ना, तो आप टाइम भी पर एनएम में ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ईयर्स में ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर ये यूनिट यहाँ पर एनएम दिया हुआ है तो आप यहाँ पर मंथ्स में फाइंड आउट डायरेक्टली नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है, ओके। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम सिंपली फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या रहेगा, अमाउंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन टू 1 + रेट डिवाइडेड बाय 100 रुपीज एंड होल रेज पावर ऑफ टाइम, ओके। इस फॉर्मूले हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, देखिए अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI, सो इन दोनों को ऐड करके हमें आप लिखेंगे, ये आ जाएगा आपका 3000 प्लस 4347 रुपीज इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, यहां पर आएगा 30,000 इंटू 1 + रेट कितना है, रेट है 7/100, और टाइम हमें अबकी बार फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए इसको हम सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 34347, ठीक है, और यहाँ पर जो 30,000 है इसको हम इस साइड में ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो इसको डिवाइड करेगा, और यहाँ पर इसको जब सोल्व करेंगे थोड़ा सा एलसीएम लेके, सो 107/100 रेज टू पावर ऑफ टी, यहाँ पर हम इसको 3 से कैंसिल आउट कर सकते, देखिए 10,000, और यहाँ पर आपका इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो कितना आएगा 1144 9। देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, 11449 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल्स टू 107/100 रेज टू पावर ऑफ टी। देखिए यहां से आप देख सकते हैं कि 100 का ये स्क्वायर होता है 10,000, सो जो यहां पर होगा ये नंबर, ये भी 107 का स्क्वायर होगा, आप यहां पे 107 और 107 को मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, आपका आ जाएगा 11449, ठीक है, सो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं 107 डिवाइडेड बाय 100 रेज टू पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 107/100 एंड होल रेज पावर ऑफ टी। यहां पर देखिए बेस इक्वल है तो इनकी पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, इट मींस ये टाइम आपका आ जाएगा 2 इयर्स। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन, इसमें हमें टाइम फाइंड आउट करना, तो टाइम कितना हो जाएगा आपका, टाइम होगा 2 इयर्स, ठीक है, 2 साल में इस अमाउंट के ऊपर इस रेट से, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 4347 रुपीज, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा कॉन्सेप्ट पूरा, और जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी यहाँ पर, ये शॉर्ट ट्रिक, ये इस शॉर्ट ट्रिक से आप बड़े बड़े क्वेश्चन मतलब 3-4 साल का अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करें तो आप इजीली फाइंड आउट कर ले, और इस ट्रिक का कहाँ पे यूज होगा, अगर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के दोनों के मिक्स क्वेश्चन है, मतलब मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, सो इस ट्रिक से आप इजीली सोल्व कर लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है, वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का जो मिक्स क्वेश्चन रहेंगे उसमें रहने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने किया कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, सो इस वीडियो में इतने ही स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर रेगुलर अपडेट्स, थैंक यू।